Thank you.
लोकसभा के निःशुल्क पर पुर करने के लिए बहसियत उम्मीदवार नामजद किया गया है। खुदा के नाम हलफ लेता हूँ, इकरार सालिह करता हूँ कि मैं हिंद के आइन पर, जो कि कानून की रूप से मारज वजूद में आया है, पुख्ता यकीन रखूँगा और इसके तईं वफादारी बरतूँगा, और ये कि मैं हिंद की सरदारी और सालमियत को बरकरार रखूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हमेशा कौम की इत्तेहाद, यकजहती और सालमियत के लिए काम करते आए हैं, और इसी इत्तेहाद और यकजहती को देखकर, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, चाहे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग्स हो, हर मीटिंग्स में हमने कोशिश की इस इत्तेहाद को बरकरार रखें। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि 2019 की जो इलेक्शंस है, ये इलेक्शन पूरी हिंदुस्तान के लिए बहुत ही हसास और सेंसिटिव इलेक्शन है, और जिस तरह के माहौल बनाया गया है जिसमें अकलियतों को और पूरी मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत पे एक क्वेश्चन मार्क लगी हुई है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए करगिल की कौम को एक ऐसे लीडरशिप की, एक ऐसे क़्यादत की, एक ऐसे कैंडिडेट की ज़रूरत है जो न सिर्फ करगिल की आवाज़ को, न सिर्फ लद्दाख की आवाज़ को, जम्मू कश्मीर की आवाज़ को, बल्कि हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म की आवाज़ को, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशंस की बालादस्ती की आवाज़ को हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में उठाए। इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी पार्टी ने और हमारे साथ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने, सरतोड़ कोशिश की इस इत्तेहाद को बरकरार रखें और एक बेहतरीन कैंडिडेट को भेजें। लेकिन बहुत बड़ी बदकिस्मती हुई है, जिस तरीके से प्लाट करके कैंडिडेट को लाए गए और उसके बाद ये सारी एपिसोड्स आपके सामने है, उस पर मैं ज़्यादा तबसरे नहीं करूँगा, उस इत्तेहाद और यकजहती पर नहीं पहुँच पाए, जिसके लिए हमें अफसोस है। लेकिन मुझे साथ ही साथ ये उम्मीद है कि कौम किस आदमी को, किस कैंडिडेट को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ बना के, कौम की आवाज़ बना के, करगिल की आवाज़ बना के, लद्दाख की आवाज़ बना के, जम्मू कश्मीर की आवाज़ बना के और हिंदुस्तान की आवाज़ बना के, बिलखसूस सेकुलर हिंदुस्तान की आवाज़ बना के भेजना जानती है और वो पहचानती है। और मुझे उम्मीद है सारे सेक्शंस ऑफ द पीपल, चाहे लेह के हों चाहे करगिल के हों, वो सही क़्यादत को चुनेंगे। इसीलिए मैं बहैसियत उम्मीदवार आज अपनी फॉर्म नामजदगी भरने यहाँ पर आया हूँ, और मेरे साथ ये सारी पब्लिक है, और हम सब उनको उम्मीद है इंशाल्लाह करगिल की एक ही वोट होगी, और वो वोट करगिल की इख्तदार, करगिल की इज्जत और करगिल की आवाज़ को उठाने के लिए होगी। और मुझे उम्मीद है कि सारी पार्टियां, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगर अभी भी थोड़ा सा कुछ लोगों को डिफरेंसेस हैं, वो भी आने वाले कुछ दिनों में वो भी सारी निकल जाएंगी और लोगों की एक ही आवाज़ होगी, और मुझे उम्मीद है वो आवाज़ हमारी था सज्जाद करगिल जी, जो बिल्कुल आपके करीबी हुआ करते थे, और वो शागिर्द आज अभी भी हमारे करीबी है, अभी हमसे दूर नहीं है कभी। मुझे अभी भी वो हमारे स्टूडेंट ही हैं और हमारे करीबी हैं, और मुझे उम्मीद है कि सज्जाद साहब और उनके साथी जिन्होंने सज्जाद साहब को प्रपोज़ किया है, वो इन सारी चीज़ों पर रीथिंक करेंगे, दोबारा सोचेंगे और सही फैसला लेंगे, कौम के मफाद में फैसला लेंगे। और वो ख़ुद जानते हैं कि किस कैंडिडेट को हिंदुस्तान के सबसे बड़े आवाज़ में, कौम की आवाज़ बना के भेजनी है, वो सज्जाद साहब और उसकी टीम जानती है, और मुझे उम्मीद है कि वो इस पे दोबारा सोच विचार करके सही फैसला। सर, मुकाबला जो है थोड़ा टफ है, दो कैंडिडेट लेने हैं, आप लोग करगिल में हैं, तो कितना उम्मीद रखते हैं सर आप इस कंटेस्ट में लेके? मैं पूरी तरह से उम्मीद रखता हूँ, और मुझे यकीन है कि लेह के आवाम, करगिल के आवाम पोलराइज हुए बगैर सही फैसला लेंगे। मैं 30 साल से इस फील्ड में हूँ, लेह के लोग, करगिल के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, हिंदुस्तान के लोग,
नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो बरतानिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बेल्जियम हो, हर प्लेटफॉर्म्स पे हमने जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की और करगिल की आवाज़ उठाई है। और ये सभी जानते हैं कि आज के इस हसास मौके पे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को इन चारों कैंडिडेट्स में से किसको भेजनी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह आवाम के तायद और हिमायत से कामयाब हो जाएंगे। सर, अगर आप यहां से जीत के चले जाते तो वहां आपकी क्या सपोर्ट रहेगी, रूलिंग सरकार को, बीजेपी है, कांग्रेस है, तो या फिर आप अपोजिशन में? सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये है, ये अपोजिशन साहब ने बनाई, अभी तो डिसाइड भी नहीं है, आपको 23 मई को पता चलेगी कौन अपोजिशन में होगा, कौन रूलिंग में होगा। हमारी सबसे प्रायोरिटी ये है हिंदुस्तान की वहदत और सालमियत को बरकरार रखें, हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशंस की वहाँ पे ला हो, कॉन्स्टिट्यूशंस इम्प्लीमेंट्स हो, न कि एक आदमी के एक फर्द की ज़ोर ज़बरदस्ती हो, मनमानी हो। ये जो कंट्री है, ये जो मुल्क है, ये एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ज़बान बोलने वाले लोग रहते हैं, इन सबों को मिला जुला के जब हम देखते हैं वो हिंदुस्तान है। हम उस हिंदुस्तान को बकाए रखने के लिए जो कुछ भी पार्लियामेंट में हमसे बन पड़े वो करेंगे। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा सर कि बिल्कुल 100% पता है कि आप कांग्रेस से बिलोंग करते हो, तो कहीं ये है प्रॉक्सी कैंडिडेट नहीं होगा सर? प्रॉक्सी कैंडिडेट अगर मैं होता तो हमारे वहाँ पर ऑफिशियल कैंडिडेट स्पेलबर साहब नहीं होते। हम करगिल की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, लद्दाख की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, इसलिए ऑफिशियल कैंडिडेट के मुकाबले में हम खड़े हैं। और ये चीज़ आज नहीं, 2014 में भी हमने दिखा दिए, लोगों ने उस वक्त शायद पूरी तरह से नहीं पहचाना, और 36 वोट से, जबकि हम ईवीएम वोटिंग में 324 वोट से हम जीत गए थे, लेकिन पोस्टल बैलट में हम 36 वोटों से हार गए। हम कभी प्रॉक्सी कैंडिडेट पर यकीन नहीं रखते हैं, और हम फॉर्मली अपने आवाम पर भरोसा रखते हैं, उन पर उम्मीद रखते हैं, उन पर यकीन रखते हैं, और हमें उम्मीद है कि आवाम हमें भारी अक्सरियत से हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अहम में पहुँचा दे। थैंक यू। में 34 वोट से जो हमारे कैंडिडेट हार गए थे, तो अब की बार क्या सिनेरियो होगा? अब की बार टोटली इससे डिफरेंट होगा, मुख्तलिफ होगा, क्योंकि आज सभी जानते हैं, उस वक्त भी लोगों ने मुझे कहा था करबलाई साहब अगर आप आते तो सिचुएशन दूसरा होता। हम चाहते हैं आप हमारी आवाज़ बनके, लेह के लोगों या करगिल के लोगों, हमारी आवाज़ बनके हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी करें। अब मैं उसी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए मैं आज आया हूँ, और आज मुझे उम्मीद है कि हम भारी अक्सरियत से न सिर्फ जीतेंगे, हम भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह जीतेंगे और कौम की नुमाइंदगी करेंगे। यूनिटी जो है फिर से रिस्टोर होगा, बहुत सारे चांसेस है, तो आप अगर यूनिटी नहीं रहा तो आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे, और आपकी क्या मैसेज रहेगी स्पेशली फॉर योर वोटर्स? मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जो जिम्मेदार हैं वो आयान है, वो लोगों के सामने है, इस पर पिन पॉइंट करके उंगली से इशारे करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने खुद अपने आप को बता दिया कि कौन जिम्मेदार है इस यूनिटी को, इस इत्तेहाद और इत्तेफाक को ख़त्म करने के दर पे कौन है। मेरा आवाम से यही मैसेज है, हम सारी कौम की नुमाइंदगी करेंगे, एक सेक्शन की, एक पार्टी की, एक ग्रुप की हम नुमाइंदगी करने वाले नहीं हैं, हम सारी कौम की नुमाइंदगी करने वाले हैं। हम न सिर्फ करगिल की नुमाइंदगी करने वाले हैं, हम लद्दाख पूरी रीजन की नुमाइंदगी करने वाले हैं। ये मैं 2000 से करते आया हूँ, 99 से, और अभी भी कर रहा हूँ, और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहूँगा। न सिर्फ लद्दाख की, करगिल की, लद्दाख की, मैं जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करूँगा, और हिंदुस्तान के उन मजलूमों की नुमाइंदगी करूँगा जिनकी कोई आवाज़ नहीं। थैंक यू। اور دوسرے آرگنائزیشن سے، دوسرے پارٹیوں سے، سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ان سبوں کو میں دل کی اتنا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ سبوں نے اپنی دلی محبت اور جذبات کا اظہار کر کے مجھ ناچیز کو اس لائق اور قابل سمجھا کہ میں ہندوستان کے سب سے بڑے ایوان میں قوم کی نمائندگی کروں، اور انشاءاللہ یہ شروعات ہے۔ میرے آپ سے گزارش ہے، ہماری یہ
مقابلہ ہمارے لیے لڑائی ہندوستان کی وحدت اور سالمیت کو ہندوستان کی یکجہتی کو ہندوستان کے سیکولرزم اور آئین کی بالادستی کو برقرار رکھنے کے لیے 2019 کی انتخابات بہت بڑی حساس انتخابات ہے بہت ہی سینسیٹیو ہے ایک طرف فرقہ پرست طاقتیں ہیں جو ہندوستان کی وحدت اور سالمیت کو توڑنے کی طرف پہ ہیں اور ایک طرف ہندوستان کے آئین کی بالادستی برقرار رکھنے والے لوگ ہیں اب یہ ہندوستان کے عوام کو فیصلہ کرنی ہے کہ قانون کی بالادستی چاہتے ہیں یا تفرقہ کرنے والوں کی اور مجھے امید ہے جس طریقے سے فرسٹ فیز کا الیکشن ہوا اور فرسٹ فیز کے الیکشن میں ہندوستان کے عوام نے ہندو ہو یا بدھسٹ مسلم ہو یا سکھ پارسی ہو یا جوش دلت ہو جو بھی ہندوستان میں رہتا ہے ان سبوں نے پہلے پر رکھا ہے کہ فرقہ پرست طاقتوں کو ہندوستان کے سب سے بڑے ایوان سے باہر نکال پھینکیں گے اور یہ کرگل کے عوام کا بھی یہی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ 2019 کے انتخابات میں فرقہ پرست طاقتوں کو ہندوتو کے نام پہ دیش کی اتحاد اور سالمیت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو ایک کرارا جواب دے گی اسی لیے آپ لوگوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور یہی سوچ کہا ہے آپ لوگوں نے مجھے نامزد کی کہ ہندوستان کے سب سے بڑے ایوان میں کرگل کی نمائندگی کرنا بلا تفریق مذہب و ملت لہ کی نمائندگی کرنا بلا تفریق مذہب و ملت خطے لداخ کی نمائندگی کرنا بلا تفریق مذہب و ملت جموں کشمیر کی نمائندگی کرنا بلا تفریق مذہب و ملت رنگ اور نسل اور ہندوستان کے مظلوم عوام کی نمائندگی کروں گا جن کی ابھی تک صحیح نمائندگی نہیں ہوئی ہو میرے آپ سے ایک گزارش ہے چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یہ بازار میں چرچے ہو کسی کے ذات پہ کسی کو کچھ نہیں بولنا اس کے کام پہ یقیناً آپ تائید کر سکتے تنقید کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں نے مجھے اپنا نمائندہ چنا ہے تو کسی کے ساتھ میں بھی کوئی بھی کمنٹس نہیں کرے گا اگر وہ کرے تو سمجھ لینا وہ میرا حمایت نہیں کر رہا ہے اور مجھے سپورٹ نہیں دے رہا ہے میں کبھی آپ کو اجازت نہیں دوں گا کہ کسی کے ساتھ پہ آپ کچھ باتیں کریں حملہ کریں اس کے بارے میں بڑے الفاظ استعمال کریں ہمارا مطلب اور مشن ہے وَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ جب آپ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے ان سے ڈسکس کریں گے بات کریں گے کمنٹس کریں گے تو بہترین طریقے سے کمنٹس کریں گے اخلاق کے دائرے میں رکھ کے آج یہ نہ سوچ لینا کہ ہم صرف ایک پارٹی کچھ ریلیجیس آرگنائزیشن کے نمائندے ہیں مجھے تعاون دینے والے اسلامیہ سکول کے بھی لوگ ہیں مجھے تعاون دینے والے نیشنل کانفرنس کے بھی لوگ ہیں مجھے تعاون دینے والے پی ڈی پی کے بھی لوگ ہیں مجھے تعاون دینے والا آئی ایم ٹی کے بھی لوگ ہیں نور بخشیہ ہے اہل سنت ہے دیوبندی ہے بریلوی ہے اہل حدیث ہے بدھسٹ ہے ہندو ہے اس نے کبھی یہ دماغ سے نکال دینا سکھ ہے باندھ باندھ کے بولی بولنے والے لوگ ہیں کچھ لوگوں کے کچھ آدمیوں کے باتوں سے پوری کمیونٹی کو پورے انسٹیٹیوشن کو نشانے پہ نہیں لیا اس آدمی کے کارکردگی پہ آپ کمنٹس کر سکتے ہو باتیں کر سکتے ہو لیکن اس کی ذات پہ کبھی بھی کمنٹس نہیں کر لینا میں آپ کو اجازت نہیں دے ہمارے پاس دن بہت مختصر ہے 15 دن ہیں اور اس 15 دنوں میں 75,000 square kilometers کو ہمیں طے کرنا ہے لمبائی میں 400 kilometers ان سارے مسافتوں کو طے کرنا ہے اس لیے میں ہر جگہ نہیں پہنچ پا
पाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा करके क्या में पहुंच जाऊं। मेरी आपसे गुजारिश यही है, आज से आपकी जंग शुरू हो चुकी है, आज से आपका मुकाबला शुरू हो चुका है। हर फर्द को करना नहीं बल्कि चाहे बुजुर्ग हो या जवान हो, मर्द हो या खवातीन, हर फर्द को कर्बलाई बन के हर महाज पर हर जगह अपनी पूरी ताकत और तवानाई के साथ कंपेन करनी है। हमारे ये एक तरह तजुर्बे तो आजान तोड़ा का है, इसलिए इस तरह तजुर्बे से सबक लेकर कोशिश कर रही है कि न सिर्फ हम जीते बल्कि भारी अक्सरियत से जीते, और इंशाल्लाह आपका यही जज्बा, आपका यही जोश, आपका यही बनवाला रहा तो नई इस तारीख को जब आपके ईवीएम मशीन खुलेगा तो रिजल्ट आपके हक में होगा। उसके लिए इस इंतजार में न बिखे रहे कि कोई आपको कहे वहां पे जाओ उधर कंप्लेन करो, यहां कमी है वहां कमी है, हर एक को देख रहा है कहां कहां किस किस जगह कमी है और इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, और इस कमी को दूर करने के लिए जिससे जहां जो भी बन पड़े आप सबको मेरे खुशी उलमाए कराम को, बुजुर्गों को, माओ बहनों को, आपके जरिए जवानों को, हर एक को मिलकर कोशिश कर लेनी है। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, सेंट्रल इस्लाम आगे बढ़ो। कुछ लोगों ने यहाँ पे बातें बना ली है यूथ का, ये हम ही है जिन्हें हर जगह चाहे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, यूथ को आगे बढ़ाया है, प्रोफेंस हमने यूथ को दिया। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इंशाल्लाह, सारे डिस्ट्रिक्ट का हम यहां पर चर्चा करेंगे और बहुत जल्द हम करेंगे, उस वक्त तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगा। आप खुद देख सकते हैं मजहबी इदारों में कितने यूथ है, आज आपके मजहबी इदारों के सरबराह सबके सब यूथ है, आज आपके पोलिटिकल पार्टी के लीडर सबके सब यूथ है। यूथ को कहां और किस जगह काम करनी है ये कौन को देखना है। आज हिंदुस्तान के इस हसास मौके पे किस आदमी का किस उम्मीदवार को मुंतखब करके उस पार्लियामेंट में भेजनी है जो वहां पे न सिर्फ करगिल की लद्दाख की जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के मजलूमों की नुमाइंदगी करे, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, तजुर्बे की जरूरत है, और ये पिछले 30 साल से मैं कर चुका हूं। सोशल फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट करगिल में, न सिर्फ खत्ते लद्दाख में, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, न सिर्फ हिंदुस्तान में, बेल्जियम से लेकर फ्रांस से लेकर इंग्लैंड से लेकर पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका से लेकर दुबई तक हर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, और हिंदुस्तान के जितने भी इंटरलोकेटर्स आए, वर्किंग ग्रुप्स आए, कमेटियां बनी कमेटियों में जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की, करगिल की नुमाइंदगी किया और बेहतरीन तरीके से मैंने नुमाइंदगी किया और उन सबों से लोहा मनवा ली। आज सपोर्ट से चार साल से मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, मैं ला के रख चुका हूं और सारी ब्यूरोक्रेसी सारी खुद कर रहा हूं। कहते हैं पिछले 30 साल में करगिल को हमने कभी भी इतना बोलता हुआ, इतना चीखता चिल्लाता हुआ, इतनी आवाज उठाता हुआ नहीं देखा है। पूरी और पूरी जब बजट की डिस्कशन होती है, जब गवर्नमेंट डिस्कशन होता है, पूरी खर्चे की नुमाइंदगी करके जम्मू कश्मीर में आवाज बनकर आवाज उठाई, और आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट आपके ताउन से, आपके वोट से, आपकी हिमायत से इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आप देखेंगे जिस तरीके से जम्मू कश्मीर
زمین ہے، کرگل چھایا رہا ہندوستان کی پارلیمنٹ میں، کرگل لداخ چھایا رہے گا، اور آپ کی جیتے گی دلی آواز ہے، دلی تمنا ہے، میں کوشش کروں گا ہندوستان کے سب سے بڑے دیوان میں اپنا آواز کو پہنچاؤں اور وہاں پہ لوگوں کو بتا دوں ہندوستان کی سرحدی علاقے میں رہنے والے لوگ کس طریقے سے اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، اس کنٹری کے لیے جان ہتھیلی کے لیے قربانی دیتے ہیں، اور کس طریقے سے ہندوستان نے اس خطے کو نظر انداز کیا. انشاءاللہ یہ موقع آپ لوگوں کو ملا ہے، اس موقع کا بھرپور طریقے سے استعمال کریں. میں ختم کر چکا ہوں، میری ایک گزارش ہے کہ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ سوشل میڈیا پہ غلط کمنٹس نہیں کریں گے، وہ میرا حمایتی نہیں ہے، یاد رکھیں کسی کے بھی ساتھ پہ کہاں پہ آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ پہ. سارے پارٹیاں ہماری ہیں، سارے پارٹیوں کا ہمیں تعاون ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ کرگل کے عوام سمجھ جائیں گے، اور آج جتنا دیکھ لو کئی گنا زیادہ 2019 کو 6 مئی کو آپ کو پولنگ بوتھ پہ نظر آئے. آخری گزارش میری آپ سے یہ ہے، کیونکہ دوسرا نمائندہ اور اس کے ساتھی آ رہے ہیں، اس لیے آپ کو یہیں سے ڈسپرس ہونا ہے تاکہ ان کے لیے راستہ چھوڑ دیں. کہیں کسی سے کنفرنٹیشنز نہیں کرنی ہے، کہیں کسی پہ بھی انگلی نہیں اٹھانا. وہ وہاں سے آ رہے ہیں، آپ یہاں سے آرام سے نکل کے جائیں گے، اور ہر ایک کو آج کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے خدا را. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ کسی انتظار میں رہے کہ کوئی کربلائی ہو، اس فلم میں کربلائی ہے، بڑھ کوشن چار کوشن، آپ سبھی کو کربلائی بن کے 6 تاریخ تک جد و جہد کر کے، خون پسینہ کر کے ای وی ایم مشین کو بھر دینا ہے. پھر ایک بار آپ سب نے تکلیف کی، اتنا درد اٹھایا، بالخصوص علماء کرام کا، ہر مذہب کے بزرگوں کا، چاہے وہ اہل سنت ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، بدھسٹ ہو، باقی فرقے، سب ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سبوں کا خدا سب ان کو صحت رکھے، سلامت رکھے، اور اس قوم کی ترقی، بہتری اور بلائی کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عنایت کرے. سبھی یہاں سے نکل جائیں گے انشاءاللہ، کل سے پھر ہماری مہم کا آغاز ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.